दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर बड़ा बाढ़ का खतरा, पटरी को छू बह रहा है बाढ़ का पानी। दरभंगा जिले के नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। वहीं दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड के थलवारा हाया घाट के बीच बागमती नदी के ऊपर बना रेल पुल पर बाढ़ के पानी के दबाव के कारण पहले से ही दरभंगा समस्तीपुर रेल का परिचालन ठप है, लेकिन यहाँ बाढ़ का पानी समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अब बाढ़ का पानी पुल के गटर से ऊपर उठकर रेल की पटरी पर भी पहुंच गया है। दरअसल दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर हाया घाट व थलवारा के बीच मुंडा पुल संख्या 16 पर बाढ़ का पानी का दबाव इतना बढ़ गया है कि बाढ़ का पानी रेल पटरी से अगर जल्द नहीं उतरा तो बाढ़ के पानी रेल पटरी की भी क्षतिग्रस्त कर सकती है। यहाँ पर पानी का बढ़ोतरी बढ़ता जा रहा है। 2004 के बनिस्पत यहाँ आगे पानी बढ़ गया है, आगे बढ़ गया, खतरा के निशान से भी डेवलप कर गया है। अच्छा। यदि 3 इंच 4 इंच के लगभग यह बढ़ेगा तो हो सकता है कहीं बांध टूट जाने का संभावना है। बांध टूट जाने का कहाँ पर, कौन से जगह पर, मतलब ये सब जगह पर यहाँ काट दिया है। इनमाइट ढाला के पास कमजोर हो गया बांध। हाँ, रेलवे ट्रैक पर पानी चला आया है, रेल पर पानी चली आई है, पटरी रेल के माथे पर। अच्छा। ये आपको यहाँ गुमटी के पास। वहीं रेल पटरी पर पानी आने से अब उन लोगों के लिए चिंता बढ़ा दी है। वहीं रेल सहायक इंजीनियर दिलीप कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि रेल पुल पर पहले से ही बाढ़ का पानी का दबाव था, लेकिन अब रेल की पटरी पर भी पानी आ गया है, जिसे समय समय पर निरीक्षण कर स्थिति पर नजर रखा जा रहा है। अभी हाया घाट पुल नंबर 16 पे पानी बढ़ता ही जा रहा है, अभी गटर के ऊपर से आ रहा है 3-4 इंच और ब्रिज के अप्रोच में ट्रैक के ऊपर भी लगभग 50 मीटर पे पानी लगता आ चुका है, जिसके कारण अभी परिचालन पूरी तरह ठप है। जब तक कम नहीं होता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।